This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. आगजनी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ वीरवार को माल रोड स्थित अग्निशमन कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कमल द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यालय में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जहाँ आग लगने पर प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में लोगों को बताया गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुखदेव ने कहा कि हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है और इस दौरान लोगों को आगजनी को लेकर जागरूक किया जाता है। और आज से शुरू हो रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान स्कूलों, औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर अग्निशमन के प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन बचावों के प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। फायर वीक जी, ये सभी को पता है कि 14 अप्रैल को हर साल फायर डे मनाया जाता है। 1944 में एक इंसिडेंट हुई थी, बड़ी दुर्घटना बॉम्बे में विक्टोरिया पोर्ट पे, जहाँ पर एक भीषण आग की दुर्घटना हुई थी एक जहाज़ से, जिसमें उस टाइम में 77 हमारे जो अग्निशमन विभाग के लोग थे उनकी डेथ हुई थी। और उन्हीं को, उनका जो सेक्रीफाइस था, उसको याद करके ऐसे यादगार के रूप में हर साल एक 14 अप्रैल को ये फायर सर्विस डे मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि फायर डिपार्टमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आगजनी की घटनाओं को कंट्रोल करने में, उसका लोगों को जागरूक करने में। और हमारे शहर में, और आजकल फायर किसी भी तरीके से हो सकती है, नेचुरल फायर है या एक्सीडेंटल फायर है या आपका कोई गैस लीक है, LPG सिलेंडर्स की आगजनी की दुर्घटना अगर होती है, तो फायर डिपार्टमेंट का रोल हमेशा ही रहता है। और ये हमेशा 24 घंटे, हम आप सभी भली भांति परिचित है कि आगजनी में सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है डिपार्टमेंट, इमरजेंसी में फायर डिपार्टमेंट ही है। और इनकी तत्परता और इनकी कार्य कुशलता सब जग जाहिर है। और मेरा, आप जो इन्होंने आज हमें थोड़ा सा एक एग्जीबिशन भी आज इन्होंने इस अवसर पर लगाई इस अपने इसमें फायर ऑफिस में, तो उसमें भी कई चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं। और इन्हीं सभी इक्विपमेंट्स का निरंतर ये इस्तेमाल भी करते हैं ऐसी दुर्घटनाएं जब कभी भी होती हैं। और प्रयास इस डिपार्टमेंट का हमेशा से ये रहा है कि ना कोई जान माल का नुकसान हो और कम से कम क्षति उस इलाके में पहुंचे, उन लोगों को पहुंचे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं फायर डिपार्टमेंट को, और ख़ासकर इस शुभ अवसर पर। और ये खास जो एक अवसर है लोगों, उन 77 अग्निशमन विभाग के लोगों को, जिन्होंने उस टाइम अपना बलिदान देके बहुत बड़ी दुर्घटना में उनका सेक्रीफाइस रहा है, और उसी उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाता है। और इस पूरे वीक के लिए अलग अलग गतिविधियां फायर डिपार्टमेंट जो करेगा, उसमें इनको मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे भी शुभकामनाएं। और इनका सहयोग हम सभी प्रशासन को और नागरिक सभी स्थानीय जनता को मिलता रहता है और आगे भी मिलेगा, ये मेरी इनसे अपेक्षा भी है। और ये उस पर हमेशा ही खड़े उतरते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।